भारत के स्टार किदांबी श्रीकांत को BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल में सिंगापुर के लो केन यू से हार का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से किदांबी को सिर्फ सिल्वर मेडल के साथ ही संतोष करना पड़ेगा। वर्ल्ड रैंकिंग में 15वीं रैंकिंग के सुपरस्टार श्रीकांत को 22वीं रैंकिंग के सिंगापुर के खिलाड़ी ने 15-21 और 20-22 से हराया। ये मुकाबला महज 42 मिनट ही चल सका। लो केन यू के खिलाफ श्रीकांत की ये पहली हार है। हालांकि इस हार के बावजूद वो पुरुषों की वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले सिर्फ एक बार कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में किदांबी की लो केन यू से मुलाकात हुई थी, जहां पर भारतीय हीरो ने सीधे सेटों में एक शानदार जीत हासिल की थी। श्रीकांत इस जीत के साथ इस बड़े टूर्नामेंट में मेडल जीतने वाले चौथे भारतीय बन गए। उनसे पहले साल 1983 में प्रकाश पादुकोण, 2019 में बी साई प्रणीत और 2021 में यानी हाल में ही लक्ष्य सेन ने भी मेडल जीता है। शनिवार को खेले गए सेमीफाइनल में भारत की ओर से दो सितारे आपस में भिड़े थे। किदांबी के साथ युवा स्टार लक्ष्य सेन का मुकाबला हुआ। इस मुकाबले को किदांबी ने 21-17, 14-21 और 21-17 से जीत लिया। इस जीत के साथ ही वो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी भी बन गए। साल 2017 में 4 सुपर सीरीज टाइटल जीतने वाले भारत के इस पूर्व वर्ल्ड नंबर वन खिलाड़ी ने 2017 के बाद से कोई खास कमाल नहीं किया था। वो लगातार खराब फॉर्म से जूझते रहे, लेकिन इस बड़े टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के साथ किदांबी एक बार फिर से फॉर्म में लौट आए। वहीं दूसरी तरफ 24 साल के लो केन यू की बात करें तो सिंगापुर को उसका पहला मैन सिंगल्स का वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल उन्होंने जिता दिया है। मलेशिया का बैडमिंटन इतिहास बेहद खास है, लेकिन इस जीत से पहले उनके पास मैन सिंगल गोल्ड मेडल नहीं था, जो कि अब किदांबी के खिलाफ जीत के साथ आ गया है। बैडमिंटन और बैडमिंटन के अलावा बाकी खेलों से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी हम ललन टॉप स्पोर्ट्स के नाम से मौजूद हैं। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, जहां पर आपको वीडियोज़ के साथ साथ खबरें भी मिलती हैं। ललन टॉप स्पोर्ट्स को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन दबा दीजिए और हमें फॉलो कर लीजिए। कैमरे के पीछे है विनीत, मैं हूँ विपिन, शुक्रिया।